फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 11 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय बालक दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या डी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया, तीसरे दिन भी नहीं हुआ नामांकन, 7 लोगों ने कटाया एनआर। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन तिथि के तीसरे दिन सोमवार को भी बिहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा में एक भी प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं किया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए सोमवार को 7 लोगों ने एनआर कटाया है। बिहपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र, मड़वा निवासी प्रीतम भास्कर, सोनवर्षा निवासी सौरभ कुमार ने एनआर कटाया है, जबकि गोपालपुर विधानसभा से जदयू प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल, जा प्रत्याशी जिला परिषद सदस्य सबना आजमी प्रोफेसर कॉलोनी के विभंशु प्रसाद निषाद ने एनआर कटाया है। गोपालपुर विधानसभा में अब तक 9 प्रत्याशी एवं बीहपुर विधानसभा में से कुल 6 प्रत्याशी ने नामांकन के लिए एनआर कटाया है। नवगछिया, पूजा पंडाल का नहीं होगा निर्माण, नहीं बनेंगे तोरण द्वार, ना ही लगेगा मेला। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में जीव अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी सीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष सहित शांति समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान एसडीओ ने कोविड-19 के मद्देनजर सरकार के गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी रखकर शांति व्यवस्था के बीच दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाने की अपील की। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान एसडीओ ने शांति समिति के सदस्यों से दुर्गा पूजा को लेकर की जा रही तैयारी के संदर्भ में जानकारी ली। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि पूजा के दौरान पूजा से संदर्भित किसी भी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी भी निर्देश का उल्लंघन ना हो, इसका निर्देश दिया गया। एसडीओ ने कहा कि मंदिर में पूजा पंडाल का निर्माण नहीं किया जाएगा, तोरण द्वार स्वागत द्वार नहीं बनाए जाएंगे। जिस स्थान पर मूर्तियां रखी गई है बस उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुले रहेंगे। सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। पूजा के दौरान किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। वहीं विसर्जन विजयादशमी 25 अक्टूबर को ही पूर्ण करा लिया जाएगा। सामुदायिक भोज या प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। पूजा समिति द्वारा किसी भी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिरों में उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। मंदिर में पूजा के दौरान आयोजक द्वारा पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जानी है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदंड का पालन करना अनिवार्य होगा। गोपालपुर विधानसभा की स्थिति साफ, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे अमृतेश, 15 अक्टूबर को भरेंगे पर्चा। भले ही अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ हो लेकिन गोपालपुर विधानसभा से उम्मीदवारों की स्थिति लगभग साफ हो गई है। इलाके के समयक विकास के लिए 4 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा कर चर्चा में आए अमृतेश सिंह ने 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अमृतेश ने जानकारी देते हुए बताया कि वे 15 अक्टूबर को अपना पर्चा भरेंगे। इधर दूसरे चरण में होने वाले गोपालपुर विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की स्थिति अब साफ होने लगी है। मालूम हो कि गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज चौथी बार चुनावी मैदान में है तो राजद ने शैलेश यादव को टिकट दिया है। वहीं एलजीपी से नौगछिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव को टिकट दिए जाने की चर्चा है। इस बीच गोपालपुर में भाजपा लगातार संगमारी जारी है। रंगरा के जिला पार्षद भाजपा नेत्री सबाना आजमी को पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी से टिकट दिया गया है, जबकि विगत 2 दिन पहले नौगछिया ग्रामीण भाजपा के मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोदा ने भी पाला बदलकर राष्ट्रीय जन जन पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है।
ढोलबज्जा के मुखिया राजकुमार मंडल ने भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की है। इधर बीरपुर विधानसभा से भाजपा ने एक बार फिर से इंजीनियर शैलेंद्र को मैदान में उतारा है, तो राजद ने इस बार पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को टिकट दिया है। जिलाधिकारी पार्टी ने एक बार फिर अजमेरी मतवाला को टिकट दिया है। ढोलबज्जा कदवा पुलिस ने पकड़ा टोला में छापेमारी कर 64 किलो गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। कदवा पुलिस ने सोमवार की अले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा टोला कदवा में छापेमारी कर बड़ी सफलता प्राप्त की है, जहां सुबह करीब 6 बजे श्याम सुंदर सिंह व उनके भाई राजेश सिंह के घर छापेमारी कर ट्रक वाला बक्सा के अंदर से वह मकान के छज्जी के ऊपर रखे गए प्लास्टिक के 7 बोरे से 27 पैकेट गांजा बरामद किया है। वहीं एक प्लास्टिक में खुले बोरे में भी गांजा मिला है। फिर दूसरी बार करीब 10 बजे पकड़ा टोला में छापेमारी की गई, तो वहां से करीब 3 किलो गांजा प्लास्टिक के बोरे में बांस बिट्टा के पीछे लावारिस अवस्था में पुलिस को हाथ लगी है। वहीं जब तीसरी बार गुप्त सूचना मिलने पर कदवा पुलिस ने पकड़ा टोला कदवा में छापेमारी की, तो 375 ml के 7 बोतल विदेशी शराब गांव के पीछे खेतों में लावारिस अवस्था में मिला है। नारायणपुर सड़क हादसे में एक की गई जान, एक जख्मी। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौक के सत्संग भवन NH 31 पर सोमवार की अली सुबह लगभग 5 बजे घर से मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले चक्रामी निवासी उदय मंडल 45 वर्षीय का अज्ञात वाहन से धक्का लगने से पानी भरे गड्ढे में फेंका गया भाई साजन कुमार जख्मी हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घर से निकलकर दोनों NH के डिवाइडर के किनारे चल रहे थे। नौगछिया की ओर से तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित पिकअप ने ठोकर मार दिया, जिससे वे गड्ढे में फेंका गए। भाई जख्मी होकर करा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे भवानीपुर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मृतक को गड्ढे से निकाला। जख्मी साजन व मृतक को PSC नारायणपुर पहुंचाया। वहीं PSC के डॉक्टर विनोद कुमार ने उदय मंडल को मृत घोषित कर दिया, जख्मी साजन को खतरे से बाहर बताया। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773 93043-67-170। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक BTech BCA MCA BBA MBA होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA BSc BCom MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगछिया 9534338689 7856914231 6206224713। नवगछिया महिला ने गांव के ही लोगों पर लगाया मारपीट व आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव की एक महिला ने गांव के ही 4 लोगों पर मारपीट व आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि घटना के क्रम में जब उसका देवर उसे बचाने आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। महिला ने लिखित आवेदन देकर रंगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। ढोलबज्जा कदवा में डूबे एक बालक का शव 48 घंटे के बाद सोकचा के कोसी नदी से बरामद, दूसरे शव की SDRF टीम कर रही खोज। बीते शनिवार को कदवा ओपी थाना क्षेत्र के ठाकुर जी कचहरी टोला कदवा निवासी शंभू शर्मा व सुभाष शर्मा दोनों सगे भाइयों के बेटे का मौत बालूघाट समीप कोसी नदी में डूबने से हो गई थी, जिसकी खोज लगातार SDRF टीम द्वारा किए जाने के बाद भी नहीं मिल रहा था। इस बीच सोमवार को शंभू शर्मा के पुत्र अमरीश कुमार 6 वर्षीय की लाश सोकचा के रामनगर बिंद टोली के बीच कोसी धार में कुछ मछुआरों द्वारा देखे जाने के बाद सूचना मिलने पर मिल गया है। वहीं कदवा के आसपास कोसी नदी में सोमवार को भी दिनभर SDRF की टीम ने सुभाष शर्मा के पुत्र सचिन कुमार 12 वर्षीय के शव की खोज की, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बरामद अमरीश के शव को नदी थाना के पुलिस ने पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। ज्ञात हो कि अमरीश 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। नवगछिया गुटखा लूट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। गुटखा लदे ट्रक लूटने मामले के आरोपी भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के मथुरापुर निवासी रंजीत यादव को थानाध्यक्ष अमर विश्वास ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। मालूम कि 23 जुलाई को अपराधियों ने गुटखा लदे ट्रक को अगवा कर लिया था।
वारंटी गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी नवगछिया थाना क्षेत्र के नगरा निवासी भोला पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नवगछिया स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल में मारा ठोकर एक गंभीर। नवगछिया के झंडापुर ओपी क्षेत्र के NH 31 लड्डू पेट्रोल पंप के समीप सोमवार की देर शाम हुई सड़क दुर्घटना में भागलपुर के रामसर चौक निवासी आलोक कुमार झा 29 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद झंडापुर पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक नारायणपुर के मधुरापुर बाजार में एक निजी संस्थान में काम करता है। सोमवार की संध्या वह नारायणपुर से मोटरसाइकिल लेकर अपने घर रामसर चौक भागलपुर जा रहा था। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर गांधी चौक कलासन रोड चौसा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगढ़िया 9534338689 7856914231 6206224713। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर गांधी चौक कलासन रोड चौसा।